पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। सभी लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम में कहा कि यहां के बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं और आजकल चीन और जापान की ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद उन्हें असम की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें उनकी जगह भी दिखानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगी, साथ ही प्रति माह 2000 रुपए गृहिणी सम्मान के रूप में मिलेंगे और चाय के बागान में श्रमिकों को 365 रुपए का वेतन भी मिलेगा।